हम चाहे कितने भी अमीर, फेमस या पावरफुल हो जाएं, जब तक हम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करेंगे तब तक जिंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा वरी करना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी ऐसी चीजों को पैदा करता है जो हमारे लिए मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी होने के बाद हमें दुनिया की सारी अच्छी चीजें ही क्यों ना मिल जाएं तो भी हम अच्छा फील नहीं करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के पास वो सारी चीजें थी जो एक आम इंसान सोच सकता है, फेम, पावर, पैसा सब था। फिर भी नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जिंदगी के कोई 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। जबकि हेलेन केलर जो कि ब्लाइंड, डीफ एंड डम थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। नाउ हेलेन केलर अगर अपनी जिंदगी को इतनी खुशी के साथ जी सकती हैं तो हम क्यों नहीं। इसीलिए मैं आज समराइज करूंगा डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलर बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि इस प्रॉब्लम से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ये ट्रिक बहुत ही काम की है क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। नंबर 2, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब हम वरी, एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा फोकस ऐसी चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अपने फोकस को उन चीजों पर लाओ जो आपके पास हैं। फोकस करो अपनी हेल्थ पर, अपनी फैमिली पर और अपने आसपास के नेचर पर, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिनकी फैमिली नहीं है, लेकिन आपके पास वो सभी हैं। हम पहले से ही उन चीजों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए करोड़ों से भी ज्यादा है। इसीलिए अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजों से दूर रहना है तो अपनी एक हैबिट बना लो और दिन में एक बार सारी अच्छी चीजों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए भगवान को थैंक यू भी बोलो। नंबर 3, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। मोस्टली हमें चीजें जितनी बड़ी लगती हैं एक्चुअल में उतनी बड़ी होती नहीं, हम बस सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। आपके जीवन में भी कई ऐसी चीजें रही होंगी जो उस टाइम आपके लिए बहुत बड़ी होंगी, लेकिन जब आप उनके बारे में सोचते होंगे तो उन पर हंसी आती होगी। हम बहुत सी ऐसी स्ट्यूपिड बातों को लेकर फिक्र करते रहते हैं जो फिक्र करने लायक ही नहीं होती। सो अगली बार अगर आप किसी बात को लेकर फिक्र करो तो अपने आप से पूछो, क्या इसी बात को लेकर मैं कुछ सालों बाद ही फिक्र करूंगा, और अगर नहीं तो तुरंत फिक्र करना बंद कर दो। नंबर 4, About all the worries we worry about never happen. रिसर्च से पता चला है कि 85% बातें जिनकी हम फिकर करते हैं वो एक्चुअल में हमारे साथ कभी होती ही नहीं, और जो 15% होती हैं उनमें से भी 79% बातें फिक्र करने लायक ही नहीं होती। इट मीन्स टोटल 97% बातें फिक्र करने लायक ही नहीं है। ये बस आपके दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप इन अननेसेसरी वरीज को खत्म कर सकते हो। उनमें से एक है, आप जितना हो सके उतना अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि इंसान दो चीजों को एक साथ नहीं सोच सकता, और बिजी भी ऐसे कामों में रहो जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए। और दूसरा ये कि थोड़ा समय नेचर में बिताएं और अपने खाने पीने की चीजों को सुधारें।